छत्तीसगढ़ की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया था, मगर 9 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सांसें फूल रही है, कानून व्यवस्था बदतर हुई है। शहरों में चाकू चल रहा है, बलात्कार बढ़ रहे हैं और किस तरह से जेल में भी लोगों को मार करके उनकी हत्या की जा रही है या लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। देखिए आप ये पूरा सेवा दल और पीछे देखिए दीपक बैज की जो न्याय यात्रा है वो धीरे धीरे राजधानी रायपुर की ओर बढ़ रही है। हम लोग अभी फिलहाल देखिए खरोरा रायपुर मार्ग पर हैं और आज न्याय यात्रा का 5वां दिन है और 5वें दिन में जो है ये यात्रा सारा गांव से शुरू हो करके रायपुर के सड्डू पहुंचेगी और फिर वहीं पर रात्रि विश्राम होगा यात्रा का और उसके बाद कल 6वां दिन होगा जो अंतिम दिन होगा इस यात्रा का। और इसी दिन जो है एक बड़ी सभा कांग्रेस की तरफ से आयोजित की गई है जिसमें बड़े नेता जो हैं वो शामिल होंगे। देखिए कांग्रेस की यात्रा जारी है और लोग जो हैं सेवा दल के जो लोग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हैं और गांधी का रूप लिए आप भी पहले दिन से यात्रा कर रहे हैं मुझे याद है, आज 5वां दिन है, क्या महसूस कर रहे हैं आज? जी अच्छा महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हमने ये यात्रा निकाली है, छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाने के लिए। और हम तो चाहते हैं कि हमारी माताओं बहनों का, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता का सम्मान हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही देश की जनता का, प्रदेश की जनता का सम्मान करते आई है। हम इस सरकार से भी चाहते हैं कि हमारी जनता का, जनार्दन का सम्मान किया जाए, जनता जनार्दन का सम्मान किया जाए। कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है उसको ठीक करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये न्याय यात्रा की जा रही है, छत्तीसगढ़ के जनता को न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा की जा रही है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है, कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है। आप देखिए ये यात्रा जो है किस तरीके से, आप देख पा रहे हैं पीछे एक रथ दिख रहा है, उस रथ के माध्यम से गाना भी बजाया जा रहा है। आगे भी तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से आगे आगे जो है रथ चल रही है और पीछे पीछे कांग्रेस के लोग चल रहे हैं, दीपक बैज जो है वो भी पीछे में है, उनके साथ पीसीसी के तमाम डेलीगेट्स भी हैं और देखिए ये सेवा दल के लोग भी जो है अस्थाई यात्री हैं, पहले दिन से लेकर के आज 5वें दिन तक जो है दीपक बैज के साथ चल रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है वो अब 5वें दिन में आ गई है और ये अब रायपुर के सड्डू जाकर रुकेगी। देखिए एक भाई साहब हमारे साथ, कहाँ से आए भैया? प्रतापपुर से भैया। भानु प्रतापपुर से? हाँ। कब से चल रहे हैं? आज से चल रहे हैं भैया। जी जी। कितने अभी तो मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप चल भी? जी जी जी। कोई थकान तो नहीं महसूस? नहीं भैया, नहीं है, नहीं नहीं है। जोश में है? हाँ जोश में है भैया। हाथ में देखिए पानी का, देखिए हाथ में आप देखिए पानी का पैकेट है और बहुत ही उत्साह के साथ जो है ये चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। कोको पाड़ी साहब हैं, पाड़ी जी आप आज यात्रा में शामिल हुए, क्या देख पा रहे हैं और खास करके अगर युवाओं को लेकर के बोलेंगे तो? मैं लगातार गिरौदपुरी से जब से यात्रा की शुरुआत हुई है तब से लगातार इस न्याय यात्रा में चल रहा हूं और इस न्याय यात्रा का जो मकसद है, उद्देश्य है कि जो प्रदेश की सरकार है जिनके ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना मत दिया, अपना आशीर्वाद उनको दिया और सरकार चलाने का एक अवसर दिया, सरकार चलाने की बजाय सरकार आज निरंकुश हो चुकी है और कहीं ना कहीं अपराध जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर बढ़ा है वो चिंताजनक है। शहरों में चाकू चल रहा है, बलात्कार बढ़ रहे हैं और किस तरह से जेल में भी लोगों को मार करके उनकी हत्या की जा रही है या लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो ये सब चिंता का विषय है। और हम राजनीतिक दल होने की वजह से हमारी चिंता है कि छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है वो शांति से चले। सरकार की जिम्मेदारी का एहसास हम लगातार उन्हें करवा रहे हैं कि आप इस न्याय यात्रा के माध्यम से ये समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ की जनता आपके कानूनी जो लापरवाही है, जो अपराध बढ़ रहे हैं उससे परेशान हो चुकी है और वो ये सब चीज़ नहीं चाहती है। साहब आप राहुल गांधी जी की यात्रा में भी थे, राहुल गांधी ने यात्रा की और उस यात्रा में मुझे याद है कि आपने बहुत सक्रिय भूमिका एक निभाई थी और अब दीपक बैज की भी यात्रा में है,
क्या अंतर देख पा रहे हैं आप लोग? और अगर छत्तीसगढ़ की विशेष तौर पर मैं बात करूंगा तो ये यात्रा कितना महत्वपूर्ण है? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद ऐसा कहा गया कि राहुल गांधी की छवि में एक बदलाव आया, एक बहुत बड़े नेता के तौर पर वो पेश किए गए, उभरे भी, उनकी छवि में बदलाव हुआ। क्या दीपक बैज के भी छवि में इस तरीके के बदलाव होंगे? निश्चित रूप से, जब राजनीति मुद्दों की होती है और हम एक कमरे में बैठ कर के बयान देते हैं या हम चल करके लोगों के बीच आकर उस चीज़ को, उस मुद्दे को उठाते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक पूरी यात्रा की। देश के मुद्दों को उन्होंने देश के लोगों के सामने रखा और सरकार को बोला कि ये मुद्दे हैं और ये जनता ये चाहती है। निश्चित रूप से लोगों की धारणाएं उसके बाद राहुल जी के लिए परिवर्तन हुई। उसका एक कारण था, राहुल जी वही थे, राहुल जी वैसे ही सोच रखते थे, राहुल जी वही काम करते थे, लेकिन जब लोगों से मिले, लोगों को उनको समझने का मौका मिला तो लोगों की धारणाएं निश्चित रूप से बदली और राहुल जी एक चहेते पॉपुलर राजनेता के रूप में उभरे। कुल मिलाकर आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को इस यात्रा से लोग समझेंगे, कांग्रेस की कार्यशैली को समझेंगे और लोग जुड़ेंगे? निश्चित रूप से, कांग्रेस जो करती है वो जनता के लिए करती है और जनता को ये समझ होनी चाहिए। जिस तरह से हमारी सरकार में हम लोग कानून व्यवस्था का बिल्कुल ध्यान रखते थे और कोई भी ऐसी चीज़ें या वारदात होती थी तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होती थी, लेकिन लगातार इसका कारण जानने की ज़रूरत है कि लोग असहज महसूस क्यों कर रहे हैं, लोग आज डरे हुए क्यों हैं, और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि ये मुद्दे को उठाए। ठीक है, तो देखिए कुकू पाड़ी हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के भी रेस में थे और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके, प्रदेश के महासचिव भी रह चुके हैं। तिवारी जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के हमेशा मुखरता से बात उठाते रहे हैं, आज यात्रा कर रहे हैं, क्या बदलाव होगा इस यात्रा से? देखिए, छत्तीसगढ़ को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इसको अपराध का गढ़ बना दिया गया है। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती हो रही है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार की जो न्याय यात्रा चलाती थी, लोगों के लिए न्याय का उसने न्याय योजनाएं चालू की थी, मगर ये लगातार लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस पूरी बात को जनता के बीच में लेके जाना और जनता के हक की लड़ाई लड़ना, जब तक कि इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जिस तरह अपराध हो रहा है, जिस तरह रोज हत्याएं हो रही हैं, आप कवर्धा में देख लीजिए लगातार रोज हत्याएं हो रही हैं, इसका पूरा विरोध करते हुए पूरी कांग्रेस परिवार सड़क पर निकला है। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी है, क्योंकि ये बात आम जनता की है और आम जनता के हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस शुरू से लड़ते आ रही है। हमारे राहुल गांधी जी ने भी न्याय यात्रा की थी पूरे देश में, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी न्याय यात्रा चलाई जा रही है आम लोगों के हक की लड़ाई के लिए। तो कुछ लोग हैं जो पहले दिन से इस यात्रा में शामिल रहे हैं, आप जो है पहले दिन से यात्रा में शामिल रहे, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मैं सागर दुलानी, गिरौदपुरी से हम लोग यात्रा चालू किए हैं। गिरौदपुरी में पहले हम लोग की पूजा हुई है माननीय अध्यक्ष जी की, हम लोग तब से साथ में चल रहे हैं। अभी तक मेरे हिसाब से 50-100 किलोमीटर की यात्रा चल चुकी है। अभी तक हम लोग देख रहे हैं जुझारू अध्यक्ष हमारे को युवा पहली बार मिला है प्रदेश अध्यक्ष, उसके नेतृत्व में जो पद यात्रा निकल रही है जोरदार यात्रा है भैया। हमको व्यवस्था अच्छी मिल रही है, खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, रहने के लिए अच्छा मिल रहा है, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है भैया, पूरा रास्ते भर। अरे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, मतलब एक दिन का अगर हम शेड्यूल बोलेंगे, खैर आज तो मैं भी चल रहा हूँ आप लोग के साथ सुबह से, लेकिन किस तरीके का, मतलब सुबह नाश्ता, फिर शाम को भोजन, किस तरीके से पूरा शेड्यूल? भैया 30 किलोमीटर की यात्रा चालू हुई है, फिर 25 किलोमीटर की यात्रा, फिर 24 किलोमीटर की यात्रा चालू हुई है, तो हर 10 किलोमीटर में हम लोग को थोड़ा सा आधा घंटे का ब्रेक मिलता है, जब हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, बिस्किट भी खा लेते हैं, पानी नहीं पी लेते हैं। फिर उसके बाद 15 किलोमीटर की रेंज में हम लोग को खाना मिलता है भैया, और बहुत सुंदर खाना है, कोई कमी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग जहाँ 30 किलोमीटर की यात्रा होती है, फिर हम लोग का कम से कम भैया 5-7 घंटे की हम लोगों का रेस्ट रहता है। उसके बाद सुबह फिर 9 बजे से यात्रा चालू होती है माननीय दीपक बैज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और बहुत अच्छी यात्रा चल रही है भैया। आज हम लोग पहुंचने वाले हैं मुहा सड्डू भैया, उसके बाद हमारा पुश होगा गांधी मैदान। गांधी मैदान में बहुत ऐसी सभा होने वाली है भैया, जो गृह मंत्री के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े चाकू चल रहे हैं, गोली चल रही है। मेरे खुद वार्ड में, मैं तेलीबांधा मरीन ड्राइव के पीछे रहता हूँ भैया, मेरे यहाँ 2 मर्डर हुए हैं भैया, एक युवती का मर्डर हुआ, एक यूथ का मर्डर हुआ, जो
बेचारा मतलब कानून व्यवस्था को लेकर के जो है ये यात्रा की जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद सिंह है, मूलतः कवर्धा जिले का रहने वाला हूँ। गृह मंत्री के क्षेत्र से आते हैं? जी, उनके क्षेत्र से आता हूँ। और लगातार जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है प्रदेश की, छत्तीसगढ़ शासन जब से बदली है कांग्रेस सरकार बदलने के बाद, जुमला 9 महीने हुए हैं। इन 9 महीनों में आप खुद देख सकते हैं कि माहौल प्रदेश का क्या बना हुआ है। आज ये यात्रा का संदेश केवल और केवल शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, गुरु घासीदास बाबा जी का जो मन के एक समान का श्लोक चलता आया है, जिसके बुनियाद पर छत्तीसगढ़ और पूरे प्रदेश चलता आया है, उसके एक लक्ष्य को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चल रहे हैं। और इनकी यात्रा निश्चित रूप से आने वाले समय में इतिहास रचेगी। ये कहा जा रहा है भाई साहब, ये कहा जा रहा है कि ये यात्रा जो है गिरौदपुरी से चलकर रायपुर जा रही है, तो ये सतनामी समाज को साधने के लिए क्या यात्रा हो रही है? केवल देखिए, सतनामी समाज को साधने की ये बातें जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। भाजपा बोल रही है? जी, भाजपा का काम ही वही है। हम केवल एक सतनामी समाज नहीं, हम समूचे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उस मुद्दे को लेकर आए हैं। और रह गया सवाल गुरु घासीदास बाबा जी के जो जन्म स्थल गिरौदपुरी है, वहां से यात्रा निकालने का सेंस यही है कि उनका जो विचार रहा है वो सुख शांति समृद्धि का विचार रहा है। हमारे प्रदेश को लेकर बोल दें कि पूरे देश को लेकर बोल दें को मानने वाले हर एक समाज में, एक केवल सतनामी समाज ही नहीं, हर एक समाज उन्हें मानता है, क्योंकि उनका संदेश ही अलग है। तो ये यात्रा निकालने का शब्द लक्ष्य जो था वो केवल यही था कि सुख शांति समृद्धि स्थापित हो जाए और प्रदेश की जो अराजकता वाली सरकार यहाँ पर बैठी हुई है उसको कुछ तो सुधाए। तो ये एक लक्ष्य के हिसाब से हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो पहले दिन से इस यात्रा में शामिल है, मतलब इस यात्रा का आज देखिए 5वां दिन है, पहले दिन से ये हैं और बता रहे हैं कि देखिए हम लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, यात्रा शुरू होती है, फिर दोपहर का भोजन करते हैं, फिर यात्रा शुरू होती है, फिर शाम को हम एक जगह ठहरते हैं, सोते हैं, वहीं सब आपस में बातचीत करते हैं नेता कार्यकर्ता, अगले दिन का प्लान तैयार होता है, स्ट्रेटेजी बनती है और फिर से अगले दिन उसी उत्साह और उमंग के साथ जो है फिर से यात्रा शुरू होती है। दीपक बैज के नेतृत्व में यात्रा की जा रही है। कहा जा रहा है ऐसा कि देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो कांग्रेस की देखिए न्याय यात्रा चल रही है वो बीच बीच में ठहर भी रही है, लोग चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी सारा गांव से जब आगे निकले तो बीच में दोंदे कला से पहले रुके हुए हैं और यहां पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको चाय पीते हुए नजर आएंगे, चाय की भी व्यवस्था की गई है। और ये स्थायी यात्री हैं जो पहले दिन से हाथ में झंडा लिए इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, थक नहीं रहे? थक रहे हैं, नहीं थक रहे हैं, गांधी जी झंडा धरने में क्या है कि थकान क्या है। देखिए जब थकेंगे तो देश की विकास रुक जाएगा। हमारे सेवा दल के जो ही नियम है, जब निकलते हैं चल पड़े अपने मंजिल तक के, जब पूरा ना हो थकते नहीं, आंधी हो या तूफान, आंधी हो या तूफान थकते नहीं। दादा चश्मा लगा के पूरा घूम रहे हो? नहीं चश्मा नहीं, जैसा व्यवस्था है उसके साथ चल रहे हैं और जब तक न्याय नहीं होगा तब हक तक लड़ेंगे। लगातार यात्रा जारी है, चश्मा तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी। अब गांधी जी के चश्मे के अनुसार चश्मा लेना पड़ता है, उनकी वेशभूषा धारण की है। चलिए ठीक है, ये भी दिखा देता हूँ कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो चाय नाश्ता कैसे कर रहे हैं, क्योंकि चाय नाश्ता का भी देखिए बंदोबस्त है और जो लोग हैं वो चाय नाश्ता भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर चाय देखिए निकाला जा रहा है, बिस्किट दिया जा रहा है, लोग जो है एक एक करके आ रहे हैं। यात्रा के बीच में जहाँ ठहराव है वहाँ चाय नाश्ता का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि जो लोग हैं वो थके नहीं। भैया ये तो पूरा चाय नाश्ता का ही बंदोबस्त है बीच बीच। देखिए अब इतनी तीव्र गर्मी जिसमें सभी कार्यकर्ता साथी चल रहे हैं तो कम से कम पानी की व्यवस्था रहे ताकि उनको शरीर में पानी की कमी ना हो और लगातार चल सके, इसलिए व्यवस्थाएं की गई है। व्यवस्थाएं जो है बीच बीच में की गई है कार्यकर्ताओं के लिए ताकि थकान ना हो। हाँ बिल्कुल, बीच हर 2-3 किलोमीटर में खाने का, चाय नाश्ते का, और हर 10 किलोमीटर में खाने का व्यवस्था है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, जैसे सभी 2 किलोमीटर में चाय का और 10 किलोमीटर हाँ खाने का, दिन में एक बार खाने का और 2-3 टाइम नाश्ते और चाय। प्लानिंग के साथ जो है यात्रा निकाली गई है, हर 2 किलोमीटर में पानी की व्यवस्था है, 10 किलोमीटर में खाने की व्यवस्था है। देखिए किस तरीके से जो स्टॉल लगा दिया गया है, पानी है और देखिए पीछे भी जो है महिलाएं भी हैं, वो महिलाएं भी जो है बैठकर चाय पी रही हैं, बिस्किट खा रही हैं ताकि जब आगे चलना हो तो दिक्कत न हो आगे चलने में। देखिए स्थायी यात्री हैं ये, पहले दिन से आप चल रहे हैं? यानी पहले दिन से चल रहे हैं। पहले दिन से चल रहे हैं।
मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है। तकलीफ तो नहीं हो रही धूप में? कोई तकलीफ नहीं है और इस अन्याय के खिलाफ लड़ने में इससे भी ज्यादा तकलीफें सहने के लिए तैयार है। आवाज बुलंद है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है भैया, क्योंकि हम आगे जाएंगे और जहां तक ये यात्रा जाएगी वहां तक जाएंगे। पहले दिन से चल रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस के यहां जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए चाय बिस्किट की भी व्यवस्था है हर 2 किलोमीटर पे। और गुंडरदेही से विधायक है कुंवर सिंह निषाद जी, ये बताइए कि चाय पी रहे हैं तो थकान मिटाने के लिए व्यवस्था की गई है? ये न्याय यात्रा की जो कड़ी जो लगातार चल रही है, बीच बीच में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे जो न्याय यात्रा में चल रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था होती है पानी की, चाय की। और ये चाय की चुस्कियों के बीच यहाँ पर कुछ देर रुके हुए हैं और जैसे ही चाय खत्म होगी उसके बाद फिर न्याय यात्रा अपने पड़ाव की ओर निकलेगी। और सीने से तर बतर हो गए हैं आप, आपका कुर्ता मैं देख पा रहा हूँ पूरा पसीना में है, लेकिन मतलब चलते रहेंगे, गाड़ी में तो नहीं बैठ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये कांग्रेसी हैं, कभी संघर्ष से झुके नहीं हैं और कभी पीछे हटे नहीं हैं। ये न्याय यात्रा जो लगातार चल रही है और संघर्ष की लड़ाई, जब कांग्रेस पार्टी जब किसी चीज़ के लिए निकल जाती है रास्ते पे और किसी न्याय की उम्मीद पर, तो फिर वो एक सैलाब बनकर निकलती है और कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। और न्याय यात्रा एक परिवर्तन का आगाज़ है। आने वाले कुछ राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अभी होने वाली पंचायत और नगरी का चुनाव, और ये सरकार को चेताने की भी एक न्याय यात्रा है। अच्छा, मैं देख रहा था कि आप चाय पी रहे, आप पिला भी रहे थे, आपके चेहरे पर भी पसीने ज़्यादा है, आप दूसरों को पिलाने में लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, यात्रा की मेहनत जो है इसका जो फल है कितना मिलेगा? कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है जो आम जनता से लेके हर लोगों का मदद करने के लिए आगे रहता है, उनकी फल की प्रतीक्षा नहीं करता, खाली वो मेहनत करता है। मेहनत करना कांग्रेस पार्टी जानता है। आपने इससे पहले देखे कि हमारा सरकार था कांग्रेस पार्टी की, हमारे कांग्रेस पार्टी सरकार था, आम पब्लिक का काम होता था और हर लोग खुश थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जनता उन्हें विश्वास में वोट दिया और जिताया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो विश्वास खो चुका है। माँ बहनों पे अत्याचार हो रहा है। आप जब से केंद्र में भी देखोगे, मोदी सरकार जब से आए पर डे रोज के रोज 1800 केस माँ बहन बेटियों पे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो खाली दिखावा और ढकोसला की राजनीति करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूती से आएंगे और आगे यात्रा को सफल बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी लोगों की उम्मीद है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पदाधिकारियों में उम्मीद है कि इस यात्रा का जो नतीजा है वो भविष्य में देखने को मिलेगा। यही वजह है कि देखिए मेहनत इतनी हो रही है कि जगह जगह पर शेड लगाए गए हैं, कुर्सियाँ लगाई गई है, चाय बिस्किट का बंदोबस्त किया गया है ताकि जो यात्री इस यात्रा में शामिल हुए हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो और निरंतर जो ये यात्रा है वो चलता रहे। देखिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मोहन मरकाम जी है और पहले दिन से जो है इस यात्रा में आप शामिल हैं और आँख पर ब्लैक चश्मा, टोपी और पसीने और यात्रा, कैसा अनुभव चल रहा है? छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा आज शानदार 5वां दिन है, कल समापन होगा। माननीय सचिन पायलट जी और तीनों सौ प्रभारी भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया था, मगर 9 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सांसें फूल रही है, कानून व्यवस्था बदतर हुई है। जिस विश्वास के साथ जनता सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी थी, मगर जनता की उम्मीदों आशाओं अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही है। इसीलिए 9 महीने में ही कांग्रेस पार्टी को जनता की आवाज़ बनकर न्याय यात्रा में हम लोग निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी को हम बेनकाब करना चाहेंगे, क्योंकि आप जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है और ये छत्तीसगढ़ को भी दूसरा मणिपुर बनाना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरा नहीं होंगे। आप तो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं, आप कार्यशैली को अच्छे से समझते हैं। भाजपा ये आरोप लगाते हैं कि जो चुनाव आप लोग हारे गुटबाजी के चलते हारे, तो क्या इस यात्रा के बाद सब ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए हम कोई गुटबाजी से नहीं हारे। भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे थे, किसानों का कर्जा माफ, धान का रेट, महतारी वंदन, कई ऐसे झूठे वादे थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, मगर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता भी देख रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थितियां हैं उसको हम लोग लगातार उनके जनता के मुद्दों को हम जनता के बीच में रख रहे हैं। क्या मरकाम जी, ये मान लिया जाए कि नगरी निकाय चुनाव जो सामने है वो आप लोग जीतेंगे,
देखिए चुनाव में हार जीत लगा रहती है, मगर एक पार्टी हम जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण, देश के विकास में जो कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है, वो जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और वही काम हम न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। जिस ढंग से मैं लगातार ये पाँचवा दिन भी लगातार पद यात्रा में हूँ, जबरदस्त आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरुद्ध में। पाँच दिन से लगातार यात्रा में है मोहन मरकाम जी, हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हैं पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और देखिए कांग्रेस की जो यात्रा है वो अभी ठहरी थी थोड़ा सा चाय नाश्ता के लिए, और अब फिर से जो है ये यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। हमारे साथ अरुण वोरा जी भी हैं। हाँ जी, यात्रा चल रही है, आप लोग लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लोगों का मैसेज क्या आ रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के कारण पहले प्रदेश के लोग दहशत में थे, अब कांग्रेस की न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई है कि सही मायने में हमने 9 महीने में कुछ काम नहीं किया, बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति को यहाँ पर ला कर खड़ा कर दिया कि रोज़ हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती जैसी घटनाएं, आप देखिए बलौदाबाजार और कवर्धा जैसी घटना, ये कम बड़ी घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि शासन हमसे संभल नहीं रहा है। तो मतलब ये जो यात्रा है इससे कांग्रेस पार्टी में बदलाव होगा, कार्यशैली में बदलाव होंगे? देखिए कांग्रेस अपने शैली पे काम करती है और कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना और ये न्याय दिलाना। तो ये न्याय यात्रा दीपक बैज जी के नेतृत्व में निकली है, निश्चित रूप से लोगों के मन में ये बात आ गई है कि अब छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू, शांति का प्रदेश है, वह शांति यहाँ से फिर कायम हो पाएगी। ठीक है, शांति फिर से कायम हो पाएगी ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। शांति और न्याय के लिए ही जो है ये यात्रा चल रही है, और जो है यात्रा फिर से जो है एक बार शुरू हो गई है। देखिए दीपक बैज रुके हुए थे चाय पीने के लिए, और फिर से एक बार जो है इनकी यात्रा शुरू हो रही है। कुछ लोग भी यहाँ पर, देखिए फोटोग्राफी भी बीच बीच में की जा रही है, जो लोग आस पड़ोस के हैं, जो रास्ते में मिल रहे हैं उनके साथ फोटो सेशन भी किया जा रहा है। सेवा दल के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, जगह जगह पर माला भी पहनाया जा रहा है आपको अध्यक्ष जी। जबरदस्त स्वागत, ऐतिहासिक स्वागत, जनता में उत्साह और खुशी कांग्रेस की इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को लेकर, और क्षेत्र की जनता बेहद खुश और आत्मीय स्वागत कर भी रहे। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस में क्या बदलाव होगा? देखिए इस यात्रा के बाद क्या बदलाव होगा तो समय बताएगा, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इस यात्रा के बाद पूरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं को हिम्मत मिलेगा और जनता में एक कांग्रेस के प्रति हम अच्छा मैसेज जाएगा, और सरकार के खिलाफ में जो इस 9 महीने की सरकार विफलता है उसके खिलाफ भी हम जो उद्देश्य से चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर, वो उद्देश्य भी हमारा पूरा होगा। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि पहला ही साल है आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, पहला ही साल चल रहा है, अभी 4 साल आप लोगों को और विपक्ष में रहना है, ऐसा क्या जरूरत लगा कि आप लोगों को अभी यात्रा निकाल देनी चाहिए? नगरीय निकाय चुनाव सामने, इसलिए क्या? नहीं, चुनाव से इस यात्रा का कोई संबंध नहीं है, चुनाव अपनी जगह पे है, यात्रा हमारी अपनी जगह पे है, हम भी नहीं चाहते ये कोई यात्रा निकाले, लेकिन जिस तरह से जब जब ये सरकार जनता के अन्याय कर रही है तब तक कांग्रेस पार्टी जनता के पक्ष में इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार है और खड़ी है। ये आज आपका जो है चौथा पांचवा दिन है यात्रा का, कोई कॉल आया क्या AICC से या फिर ऊपर आला कमान से कि आपका यात्रा हो रही है? चर्चाएं हो रही है लगातार तमाम नेताओं से, और कल के कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन हमारा आला कमान दोनों चुनाव की व्यस्तता की वजह से उधर भी अपना काम चल रहा है और यहाँ भी अपना काम, लेकिन मैसेज यहाँ का छत्तीसगढ़ नया यात्रा का मैसेज पूरे देश में। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, राहुल गांधी ने यात्रा किया, 2 यात्रा उन्होंने किया, ये आपकी पहली यात्रा है, और यात्रा करेंगे क्या ऐसा? निश्चित सच्चाई है कि माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो नया यात्रा और 2 यात्रा उन्होंने की, उससे कहीं ना कहीं देश में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, हम लोग का मनोबल बढ़ा है, उसी के उनसे ही हम सीख लेकर ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा भी हम लोगों ने शुरुआत की है उनके मार्गदर्शन से। तो देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, और लगातार देखिए नारेबाजी की जा रही है, और उनके साथ देखिए पीछे तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, बगल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है, कांग्रेस की विधायक अनिला भेड़िया है,
बगल में देखिए किस तरीके से जो है महिला के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, और आगे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पीछे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आगे रथ भी चल रही है जिसमें गाने भी बजाए जा रहे हैं, लोगों का जो यहां पर कार्यकर्ता है उनका उत्साह भी बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस का जो यात्रा है वो जो है राजधानी रायपुर की ओर बढ़ रहा है।